या सर इला सर, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं उनके पास ऐसी पावर नहीं होती कि ना अथॉरिटी होती कि लॉन्ग टर्म मुआहदे कर सके ऐसी बॉडीज़ के साथ। लेकिन आपको लगता है कि कोई नई मिसाल बनने जा रही है और इसमें कुछ स्पेस मिलेगा पाकिस्तान को, और ऐसा मुमकिन है? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है कहना इस स्टेज पे, बिकॉज एग्जिस्टिंग भी आप देखें जो IMF की नेगोशिएशन है उसमें IMF की बहुत बड़ी तहफ़ात भी हैं, अनसर्टनिटी भी है कि क्या इवन मौजूदा गवर्नमेंट के साथ वो नेगोशिएट करके डील मटेरियलाइज या कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज दे हैव डाउट्स कि ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी तो कितने अच्छे के लिए रहेगी, तो यही कंसर्न और एम्बिग्यूटीज उनकी इंटरम गवर्नमेंट के साथ भी होंगे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि IMF तो एक एस्पेक्ट है, हम लॉन्ग टर्म सिस्टम में ग्रोथ की अगर बात करें तो हमें IMF से निकलना पड़ेगा, इस प्रोग्राम के साथ एग्जिट करके पाकिस्तान नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। उसके लिए कुछ बुनियादी चीजें हमें अपनी इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी विद रिगार्ड्स टू फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमें लोकल अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन शुरू करने की पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। इंटरेस्ट रेट अगर आप अपना कम कर देते हैं, विच वी हैव टू डू इवेंचुअली, उसी के साथ लोगों के पास फाइनेंसिंग होगी इन प्लेस, क्योंकि आज कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए इतनी इक्विटी किसी के पास मौजूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा बजट है, मैं अगेन फोर्सी कर रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर मजीद बर्डन पास ऑन किया जाएगा जो कि सस्टेनेबल नहीं है, एग्जिस्टिंग साल में भी नहीं था और आइंदा भी ये नहीं रहेगा। स्पेशली जब हम नंबर्स की बात करते हैं, 9,000 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज एम्बिशियस टारगेट। और अगर आप इस साल भी देखें तो आपका फिस्कल डेफिसिट भी था, करंट अकाउंट डेफिसिट भी था, फिस्कल डेफिसिट की बात करें 6.2 ट्रिलियन रुपीज़ की हम बात करें, ह्यूज सम आई थिंक तारीखी रिकॉर्ड डेफिसिट ये है। और इसकी मेन वजह ये भी है कि आपका रुपया बहुत डिवैल्यू हो चुका है, तो जो आपकी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो कहीं ज्यादा आ चुकी है। आज भी IMF के अलावा बाकी जो आपके एलाइज हैं वो यही पूछ रहे थे आपसे कि क्या IMF ऑन बोर्ड है, अगर IMF ऑन बोर्ड होगा तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो नोबडी हैज फेथ, नोबडी हैज ट्रस्ट इन द करंट क्रेडिबिलिटी। तो ये बुनियाद होती है किसी भी मुहिदे की कि वो किससे डील कर रहे हैं। तो ये सवाल वो भी उठा रहे हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये हुकूमत 4-6 महीने रहेगी, इंटरम गवर्नमेंट कितने ऐसे के लिए आएगी, कि किसी भी मुहिदे के लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल की उनकी अश्योरिटी चाहिए। लेकिन यासिर साहब, इसमें भी बात कीजिएगा कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसर की गारंटी चाहिए थी, अमीरात से पैसे है, सऊदी अरब से पैसे है, चाइना से दो दफा रोल ओवर हुए, उसके बावजूद पाकिस्तान वो कॉन्फिडेंस नहीं ले सका IMF का कि रिवाइव किया जा सके पैकेज या मजीद उस पर बात हो। और इसहाक डार साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान ने जो करना था वो कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू दिस एनी हाउ। लेकिन अगर ये जो 11 खरब, ये जो 11 खरब का बजट है और इसमें डिफेंस बजट को भी बढ़ाया गया है और सरकारी मुलाजिमों को 35% का रेज दिया गया, और ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं होती गवर्नमेंट, लेकिन ये जो ऐसे कुछ टॉल क्लेम्स कर दिए गए, they sound like music, लेकिन आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा होगा, ये किसी भी तरह पीपल फ्रेंडली बजट होगा आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता, बिकॉज देखें आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है इस साल भी 9% था, पास में भी 8 से 7% के करीब हवा करता रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है अगर आपकी ओवरऑल इकॉनमी या ओवरऑल GDP की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत के पास आमदनी नहीं है और अखराजात बहुत ज्यादा हैं, और ये जो बर्डन है आपने मजीद इसमें इजाफा कर दिया है ये कह के कि हमने मिनिमम वेज अपने स्टाफ का सैलरीज बढ़ानी है। मैं तो अव्वल ये पूछता हूँ कि जितनी स्टेट ओन एंटरप्राइज है इसको आप क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते? अगर प्राइवेटाइज नहीं कर सकते तो इनको डाउनसाइज कर लें, डीकमीशन कर लें, बंद कर दें।